হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি ফারদিন মির হাসান এবং আপনারা দেখছেন ফারদিন রিয়াকশন। আজকে আমি যে ভিডিওটা আপনার রিয়াক্ট করবো সেই ভিডিওটা হলো লজিক্যাল টিভি সিরিয়ালস, ইন্ডিয়ান টিভি সিরিয়ালস। লজিক্যাল কি কি ইন্ডিয়ান টেলিভিশন সিরিয়াল আছে যেগুলো আপনার মাথা ব্যথা ধরায়, সেইগুলো নিয়ে আজকে রিয়াক্ট। তো চলুন আমরা ভিডিও শুরু করি, স্টার্ট। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे वीडियो न आने की चिंता केवल एक ही मनुष्य को है। असलाम बापू। तो आज हम बात करेंगे इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में। पता है, इस कंपटीशन के जमाने में हर एक टीवी सीरियल को किसी दूसरे टीवी सीरियल से अच्छा दिखना है। अच्छा दिखना तो ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि कुछ टाइम बाद इनके सीरियल का मेन पॉइंट खत्म हो जाता है और सीरियल वही सास को के आसपास घूमता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, शक्ति अस्तित्व क्या है शास्त्री, कितना अच्छा सीरियल था। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और उनकी प्रॉब्लम को लेकर शुरू हुआ था, बट एंड में क्या हुआ, वो भी एक ओवर ड्रामेटिक सास को सीरियल बन के रह गया। लेकिन क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए कुछ महान लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या बनाए कि लोग बोल उठे कि क्या सीरियल है, और फिर उन्होंने बनाया ये। लोगों ने बोला भी कि क्या सीरियल, जहाँ एक 18 साल की लड़की शादी करती है 9 साल के लड़के नहीं बच्चे से, मतलब टाइम ट्रैवल करके जो प्रियंका और निक जोनस का फ्यूचर दिखाया है ना, यही तो है असली क्रिएटिविटी। फिर आती है एकता कपूर की नागिन। स्टार्टिंग में स्टोरी अच्छी थी, नागिन का बदला, और फिर बदला खत्म हुआ तो अब खत्म करो ना सीरियल, और इसका सीजन 2 निकालने की क्या जरूरत थी। और इतना हो गया कि सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5, सीजन 5 भाई। एक बार को तो सलमान भाई ने भी सोच लिया कि छोड़ो, नहीं बन रही आगे स्टोरी, थोड़ा घास खा के आता हूँ। पर यहाँ तो सीजन 5 चल रहा है। इनके हर सीजन में सिमिलर स्टोरी होती है और एक ही मकसद होता है, बदला। और इतनी घटिया एडिटिंग के बाद भी ये शो चाइना में बिग हिट है। भाई सांपों से इतना क्या प्यार है तुम्हें। फिर आती है सास बहू सीरियल। अब हर एक सास बहू सीरियल में आपको कुछ चीजें कॉमन दिखेगी, जैसे एक गरीब गाय जैसी बहू जिसे उसकी सास, सास की माँ और उसकी भी माँ कोई पसंद नहीं करता, यहाँ वो अभी तक जिंदा होती है, वो कभी मरती नहीं। फिर एक बड़ा सा घर जिसमें बड़े से कमरे जिसका इस्तेमाल होता है घर की बहू को फंसाने की प्लानिंग करने के लिए। फिर 24/7 पहने जाने वाली ज्वेलरी, घर में इतना कौन पहनता है, नीता अंबानी बिना पहने। फिर एक ही सीरियल में बहुत सारी शादी, विदाई, जुदाई, चूहे का डिस्कशन। हाँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। सुनो सब लोग, सीन में जहाँ भी डायलॉग ना मिला वहाँ अपना दिमाग मत लगाना, बस कैमरा तुम्हारे ऊपर फोकस करे तब अपना सिर हिला देना, ठीक है? चलो, चूहे का डिस्कशन, टेक 1, एक्शन। बड़ा घर में बच्चे हैं, माँ है, राधा भी घर से है। हमें किसी भी कीमत पर चूहे को ढूंढना होगा और उसे घर से बाहर करना होगा। कुछ भी, कुछ भी। हमें चूहे को चूहे दानी द्वारा पकड़ना होगा और उसके बाद सीरियस कहीं दूर उसे सीरियस मिठी। हमें बहुत सारी चूहे दानी लानी होगी और उसे घर के हर एक कोने में रखनी होगी, समझी गई? वाह, एक्सेलेंट, क्या परफॉर्मेंस। कुछ ऐसे होते हैं इनके सीरियल्स, और कुछ सीन्स में तो लॉजिक ही नहीं होता। नहीं, वो लैपटॉप वाला और थप्पड़ वाला वीडियो में 50वीं बार नहीं दिखाऊंगा, हम कुछ और देखेंगे। तो इस सीन में कोई हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है और सर उनको प्लीज कहिए कि अपना चॉपर लैंड ना करवाए, क्रैश हो सकता है। जहाँ तक मुझे पता है, मुंह से मोहित बोलने पर पहले तो होंठ ओ का आकार बनाएंगे, उसके बाद साइड में खुलेंगे, ठीक है? चलो जो भी हो, पर मोहित के लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, भगवान उसके हाथ। ये जिंदा कैसे है? बगल में नहीं फटा था भाई, ये अंदर बैठा हुआ था और चेहरे पे एक भी दाग नहीं। अरे मरा हुआ आदमी इंस्टेंट वापस कैसे आ सकता है? कम से कम पुनर्जन्म तो वेट कर लेता। सिद्धार्थ मल्होत्रा के स्टेटमेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मरे हुए लोग वापस नहीं आते सर, बुरी खबर है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। बिचारी का पति मर गया, इस बार तो पक्का 2 मिनट का मौन रखेंगे ताकि भगवान इसके पति की याद। अब है कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं रहूंगी, उनका ऑपरेशन अब मैं करूंगी। अरे वो मर चुका है और ये कैसे कर सकती है ऑपरेशन? मतलब इन लोगों ने तो डिग्रियां भेलपुरी बेचने के लिए रखी है ना। अरे कहाँ जा रही है? मरा हुआ आदमी पबजी की तरह होता है, एक बार गया तो वापस नहीं आ सकता। सॉरी सॉरी, क्या दिल में भरा था तो थोड़ा बाहर आ गया। देखो
देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। ठीक है, मैंने दिमाग ही क्यों लगाया, एक सेकंड, इसका मतलब पबजी भी। खैर इतनी रिसर्च के बाद फाइनली मुझे भी पता चल गया कि हाउ टू मेक इंडियन टीवी सीरियल्स। तो एक इंडियन टीवी सीरियल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सबसे इम्पोर्टेंट है बैकग्राउंड म्यूजिक सीरियल में लगातार बजाना है। आपके पास धुन ताना जरूर से हो जिसके आपको बहुत से वेरिएंट मिल जाएंगे। ये वाला नहीं यार, फिर लीजिए एक हेयर ऑयल की बोतल। हालांकि बेवकूफ लोग तो इसे बालों में डालते हैं, पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे घर की बहु बेटियों को सीढ़ियों से गिराने के। फिर एक खाली दवाई की बोतल जिसपे हम लिखेंगे जहर। इसे आपको महीने में एक बार विरोधी पार्टी को देने की कोशिश करनी है, और अगर कामयाब रहे तो सेहत में तुरंत बदलाव दिखेगा। और फिर एक यमराज इंडिकेटर जलता हुआ दिया, जिनमें से किसी के भी सक्सेसफुल होने पर बुझ जाएगा। मेक श्योर की सीरियल में परिवार काफी बड़े हो, क्योंकि बड़ा परिवार यानी दुखी परिवार। इसका एक और फायदा है कि खुशी हो या दुख, आप हरेक के चेहरे पर जूम मार के ऑडियंस का टाइम बर्बाद कर सकते हैं। अब आधे से ज्यादा काम तो यही हो गया, अब बस सीरियल को सास बहू और साजिश के आसपास घुमाते रहो। और जब कभी लगे कि आगे कुछ सूझ नहीं रहा और स्टोरी बीच में अटक गई है, तो कैरेक्टर की याददाश्त गायब कर लो, नई स्टोरी चालू करो। बढ़िया है ना, तुम्हें कुछ सूझ रहा है ना उसे। अब तारक मेहता जैसे सीरियल में जब किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो तो या तो उसे गांव भेज देंगे, मायके भेज देंगे, पंजाब भेज देंगे, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे एकदम ओरिजिनल आइडिया, प्लास्टिक सर्जरी। और तैयार है आपकी नॉट सो रियल इंडियन टीवी सीरियल। अच्छा नाम, अरे सीरियल के नाम में इतना क्या सोचना यार, एक मिनट। আসলে ইন্ডিয়ান টিভি সিরিয়াল মানে হল মানে জামাইয়ের কোনো ভ্যালু নেই, হাজবেন্ডের কোনো ভ্যালু নাই, ভ্যালু হলো শাশুড়ি আর বউ। শাশুড়ি আর ছেলের বউ সম্পর্কে এইটা তো মাস্ট, একটা গরিব বউ থাকতে এবং অত্যাচারী শাশুড়ি থাকতে এবং তারপরে শয়তান মানে চাল করবো এমন একটা মানে দেওয়ারের বউ থাকতো এবং একটি হলো মেইন ইনগ্রিডিয়েন্ট। তারপর তো যে তুমতানা অনেক ভ্যারিয়েন্ট পাইবেন, এই ভ্যারিয়েন্ট আপনাদের অবশ্যই লাগবে ইউজ করার জন্য। আর জুম ইন জুম আউট আর এক্সপ্রেশন, আর মনে মনে আমি আপনাদের তাকে রেছি কিন্তু মনে মনে আমি এত জোরে বলতেছি যে অডিয়েন্স শুনবো, এইটা হলো মাস্ট, মানে থাকতেই হইব তাইলে একটা ইন্ডিয়ান টিভি সিরিয়াল হিট হইব। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি একটা ইন্ডিয়ান টিভি সিরিয়াল বানাই, নায়ক হিরো আলম, কেমন চলবো আপনারা জানাবেন কমেন্ট বক্সে, নায়িকা কারে নেওয়া যায় সেটাও জানাবেন। বানালাম তুমতানা ভ্যারিয়েন্ট আছে অনেক আমার কাছে। তো আজকে এই পর্যন্ত, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম, বাই।